अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शाहिद महमूद है और सोपी एग्रो डस्का से बात कर रहा हूँ। अच्छा, डस्का से। तो आज हमें ये बताएंगे छोटी छोटी मशीनों के मतलब जो ये बनाते हैं और जो किसानों को बहुत ज़्यादा मदद फ्राहम करती हैं, तो इनसे मिलते हैं और मशीनों के बारे में थोड़ी सी मालूमात जानते हैं। तो बताइएगा, ये बहुत सारी मशीनें हैं जी। आपका नाम? मेरा नाम यासिन है। यासिन, बिजनेस मैन यासिन के साथ। हाँ जी यासिन साहब, हमने क्या किया कि हमने जो बेसिकली जो लोगों की प्रॉब्लम की ना, उनका सलूशन निकाला है जी। जिस वजह से लोग ना मसके जिम्मेदार छोड़ रहे थे, डेयरी सेक्टर छोड़ रहे थे, क्योंकि लेबर की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी। सही है, हमने प्रॉब्लम का सलूशन निकाला है, हमने अपनी मर्जी नहीं की। तो छोटी मशीनें बना दी हैं बड़ी मशीनों के बजाय? छोटी मशीनें बना दी हैं और जो कि इकोनॉमिकल भी हैं। मतलब एक एकड़ का खर्चा आता है मतलब 200 से 250 रुपया जी। जो बड़ा ट्रैक्टर चलता है उसका खर्चा आता है कम से कम 1500-2000 रुपया जी। बिल्कुल ठीक है। 1500-2000 के बजाय आपने सिर्फ 200 रुपये तक का 200 रुपये तक ले आए। और बाहर मशीनें हैं जो ना मतलब कि सारा साल काम करते हैं, मल्टीपर्पज़ है। सही है। आप इनके साथ गंदम काट सकते हैं, चारा काट सकते हैं, मकई, ज्वार, बाजरा, बरसीम, स्वाय, गन्ने और कपास के अलावा। सही है, ठीक है। मतलब मिनी रैपर आपने जो बनाए हैं? मिनी रैपर। सही है, ठीक है। तो इसके अलावा जो ये सामने जो पड़े हुए हैं, ये कटर है जी, ये जो ब्रश कटर है, अगर तो किसी का है जानवर 2 या 3 के लिए वो मसल ब्रश कटर है जी। अगर किसी का ज़्यादा डी फॉर्म है तो उसके लिए ये मशीनें चाहिए। सही है। तो ये मिलेंगी कैसे अगर किसी भाई को चाहिए, मतलब कि मुझे ये पसंद आ गई है, मैंने ऑर्डर करना है, तो ये कैसे करेंगे ऑर्डर? बेटे हमारे पास दो तरीके हैं। हाँ जी, हमारे पास दो ही तरीके हैं जी। हमारा ना पूरे पाकिस्तान में माल जाता है जी, कराची से लेकर गिलगित। या तो कोई कस्टमर आकर हमसे ले सकते हैं या ऑनलाइन हमें पेमेंट ट्रांसफ़र करें, हम उसको ले सकते हैं। मतलब कि अगर वो डिमांड करे कि मुझे वीडियो पहले चाहिए, देखनी है उसकी वर्किंग है, तो आप वो उसको थोड़ा सा चला के यानी कि? नहीं, हमारा ये असूल है कि वो मतलब कि उमरकोट हो, हैदराबाद हो, कराची हो, बावल नगर हो, गिलगित हो, पेशावर हो, हमारा पहली दफ़ा ना बंदा साथ जाएगा जी, वो जाकर चला कर चेक करवा के फिर वापस आएगा। अगर इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाएगा तो ये जनरल वर्कशॉप पर रिपेयर हो जाएगी जी? बिल्कुल हो जाएगी। इसमें सिंपली ये है कि इसके आपने टाइमली मोबिल और फिल्टर और प्लग साफ रखना। अच्छा, ये कितनी एवरेज दे देती है पर घंटे की? ये पेट्रोल एक घंटे में एक एकड़ की कटाई कर देते जो भी आपकी फसल हो। एक घंटे में एक एकड़, बेशक वो गंदम हो या मैक्सिमम। सही। अगर गंदम होगी तो थोड़े टाइम में काटेगी क्योंकि वो खुशक होती है, क्योंकि आगे सीजन गंदम का ही आ रहा है, लोग ज़्यादातर इसे गंदम पर ही ट्राई करेंगे। तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और आपकी मशीन हमने ये किया है जी जी, अगर आप तशरीफ लाएँ जी जी, तो 3-4 मसल मेजर प्रॉब्लम थी लोगों की जी। अगर जो लोग फसल करेंगे मसल के सब्जियां लगाते हैं जी जी, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि गोडी करने वाली जी। हमारे पास ये गोडी करने वाली मशीन है, मिनी कल्टीवेटर, इसको हम कहते हैं पावर ट्रिलर। पावर टिलर। सही, गोडी करने वाली मशीन ना, ठीक है। इसके अलावा लोगों को प्रॉब्लम थी कि हमने भैंसे रखे हुई हैं मसल के या गाय रखी हुई हैं, तो उसके लिए ना ये दूध निकालने वाली मशीन है हमारे पास मौजूद है। और इसके अलावा ये सीडर्स हैं, आप इनके साथ ना मसल के सरसों से लेकर जी सरसों लगाएँ, ज्वार लगाएं, मकई लगाएं, मटर लगाएं, सब कुछ करें ना, ये आपका एक घंटा में एक एकड़ लगा देती है, जो कि जो मजदूरी चलती है जी जी वो कम से कम 3500-4000 चलती है। सही है। आप सिंपली इसको चलाते जाएं और ये सारा ये तो वन में एक बंदा ही चलाता रहेगा और चलता रहेगा साथ साथ, ये वर्किंग करती रहेगी। बाकी ये जो मशीनें हैं हमने काम वो किया है कम से कम तो जो मशीनें 12 महीने इन वर्किंग रहे। ये जो मशीन है पहले हम ये मंगवाते थे ब्राज़ील से, अब ये खुद हमने डेवलप की है। इसके साथ आप 14 किस्म के काम कर सकते हैं। क्या क्या आप कुछ चंद एक गिनवाएंगे जी? आप एक आटा बना सकते हैं जी, मिर्चें बारीक कर सकते हैं, मसाला जात पीस सकते हैं, दलिया बना सकते हैं, बड्डा बना सकते हैं जी।
तूड़ी पर ही कर सकती है, चारा कुतर सकते हैं, ठीक है जी, बहुत से काम है फिर तो। हाँ जी सही है। और ये हम इसको कहते हैं मस के मिनी मिल मशीन। जी जी ये एक आपकी पूरी फैक्ट्री है। सही बिल्कुल। और इसका खर्चा आप यकीन नहीं कर सकते कि सिर्फ ना मस के 20 रुपया फी घंटे का है। और ये घरेलू मीटर पे चल सकती है, सिंगल फेज या थ्री फेज? ये आपकी अपनी मर्जी है, थ्री फेज पे चल सकती है, सिंगल फेज पे चल सकती है। सही है जी। इसके पास हमारे पास ना दो मॉडल है जी, एक छोटा मॉडल है एक बड़ा मॉडल है। ये छोटे वाला मॉडल है। ये मोटर कितने एचपी की लगी हुई है इसके साथ? अगर छोटा मॉडल लेंगे तो इसके साथ लेंगे 3 HP की ना जी, सिंगल फेज या थ्री फेज जी। अगर आप बड़ा मॉडल लेंगे तो उसके साथ लगेगी 5 HP की। सही है, ठीक है। ये मल्टीपर्पज़ आपकी मशीन है, अगर ये आप अपने डेरे पे रख लेते हैं जी, आपको किसी चक्की वाले के पास जाने की जरूरत नहीं। सही है, ठीक है जी। चारा कुतरे इसके साथ आप, मतलब कि आटा बनाएं, दलिया बनाएं, बंडा बरीक करें, तूड़ी बनाएं, फिश फीड बनाएं, सब कुछ करें। बिल्कुल। ये 12 दिन तो इसके साथ ना 5 किस्म की जा रही हैं। सही, ठीक है जी। जिस तरह की आपकी मोटी बरीक ये सब कुछ। हाँ जी सही। तो आपसे रब्ता कैसे किया जाएगा? कोई नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है या कोई और? हमारा मस्क यूनिवर्सल नंबर है, और बाकी हमारा ना मस्क फेसबुक है, यूट्यूब है, सोबी एग्रो मशीन है। सही। वो आप वेबसाइट भी है? वेबसाइट भी है, सोबी एग्री के नाम, सोबी एग्रो मशीन है। सही। तो नंबर वगैरह भी होगा कोई व्हाट्सएप? हर चीज़ वो नंबर आप मुझे बता दें, कोई अगर रब्ता करना चाहे वीडियो के थ्रू तो आपसे रब्ता कर सकते जी। नंबर लिखे ना 0301 जी 0301-86-16 जी जी 056 जी, और मेरा ज़ाती नंबर है 0300-86-16-056, और बाकी होते हैं उसामा साहब होते हैं, उनका नंबर है 0321 जी जी। हाँ जी 86-68-056 जी। अगर किसी भाई को चाहिए हो तो वो भाई साहब से रब्ता कर सकता है, इनकी वेबसाइट है वो विज़िट कर सकता है, वहाँ से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और हमारी सर्विस फ्री है। सर्विस भी फ्री है? 3 महीने की सर्विस फ्री है। सही है। इसके पास जो बेसिक पार्ट्स है स्पेयर पार्ट जी, वो भी पहली दफ़ा हम फ्री देते हैं। फर्स्ट टाइम स्पेयर पार्ट भी फ्री है, ये तो बहुत अच्छी ऑफर है जी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।